18 इंची 20 इंची 24 इंची तक मिल जाएगा आपको, मिलेंगे वो 7000 रुपए के रेंज। ये लगवाए 24 इंच अलॉय व्हील, ये वाला देखो भाई। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज जा रहे हैं मायापुरी के साइड में। मायापुरी आपको पता ही होगा, सबको सेकेंड हैंड कार मार्केट का पूरा हब है। मतलब कार मार्केट तो क्या ही, उधर सब चीज़ सेकेंड हैंड मिलती है। मतलब बम्पर देख लो, गाड़ी की लाइट्स देख लो, हर चीज़ मिल जाता है। अलॉय व्हील्स आजकल फेमस है, अलॉय व्हील्स के लेके भाई जा रहे हैं। एक बार मार्केट दिखाने आप सबको, वेराइटी दिखाता हूँ मायापुरी की मार्केट में क्या क्या मिल रहा है आजकल। टायर अलॉयज मेन तो इसी चीज़ का हब है, मतलब बोलते हैं वहाँ पे। फिर सेकंड हैंड जिप्सी वगैरह होती है, वो भी तैयार होती है आजकल। मतलब आपने देखा होगा यूट्यूबर वगैरह वहाँ पे जिप्सी वगैरह रेडी करके ले जाते हैं वहाँ से। तो एक बार जाते हैं भाई, मेरे घर के पास में था यार, मतलब फिर भी यहाँ का व्लॉग नहीं आ पा रहा था। पास में ही है थोड़ा सा, तो एक बार दिखाता हूँ आपको जाके कि क्या हिसाब रहता है वहाँ पे। ये वाली रेड लाइट की बात कर रहा था, यहाँ से ये राइट में मुड़ेंगे तो ये अपना मायापुरी का कट आ जाएगा। तो भाई मुड़ चुके हैं यहाँ पे मायापुरी की साइड, एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इधर से देखो ये इंजन वगैरह हैं गाड़ी के, ये आगे एक अलॉय डल रहे भाई स्विफ्ट में, और यहाँ से ये देखो ये सारा स्टार्ट हो जाता है अलॉय व्हील का काम। भाई देखो कैसे अलॉय लगा इस दुकान पर, यहाँ से पूरा स्टार्ट हो जाता है। इधर भी सारे अलॉयज है, ये रहेंगे सारी मार्केट है, सारे ए टू जेड सारे पार्ट्स मिलते हैं यहाँ भी। देखो अलॉयज लग रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये अंदर की मार्केट है। एक बार आगे से दिखाता हूँ मैं आपको, फिर ये बीच बीच की मार्केट दिखाता हूँ। बीच में बहुत सारी शॉप्स हैं, उन सबको एक्सप्लोर करेंगे भाई। ये देखो बम्पर अम्पर और ये और अलॉयज, भाई पूरी मार्केट में ना अलॉयज ही अलॉयज है। किसी को चाहिए हो ना एक बार इधर ज़रूर विजिट कर लेना अलॉयज के लिए, यहाँ पर वेराइटी आपको अच्छी मिल जाएगी। भाई देखो हर एक बंदे की डिस्प्ले देख लो, ये इस साइड में है पूरी डिस्प्ले इसकी, इसकी भी सही लग रही है। 15 इंच 14 इंच सारी मिल जाएगी इस पर भी, आगे भी है वैसे डिस्प्ले था इनकी। इनकी देखो, इनकी डिस्प्ले भी सही लग रही है। ये सारे इसमें है अलॉयज की मार्केट इधर की, और इस पे पास भी अच्छी डिस्प्ले है। मतलब हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा यार इसमें, हल्के हल्के अलॉयज, मतलब टायर विद टायर के तो सारे मिल जाएंगे। भाई ये देखो लाइट्स वगैरह हो, किसी को लाइट्स वगैरह चाहिए हो ना, तो ये लाइट्स की भी है यहाँ पे, ये सारी इस टाइप पे लाइट्स मिल जाती है। सेकेंड हैंड लाइट्स होती है, बफिंग वगैरह करके देते हैं ये। और लाइट्स के साथ मतलब फॉग लैम्प्स वगैरह देखोगे ना, ये देखो फॉग लैम्प्स लगे हुए सारे, तो फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं सब इस पर। भाई ये देखो बम्पर वगैरह सारा ऊपर लगे हुए, बम्पर सामान की जगह नहीं होती, ठीक है। ये लाइट वगैरह ये सारा बम्पर का, मतलब ए टू जेड जो चीज़ सी हो ना वो मिल जाएगी भाई यहाँ पे। और ऐसे भाई गाड़ी के बॉडी सेल भी मिल जाते हैं, किसी को गाड़ी का बॉडी सेल चाहिए हो या बम्पर चाहिए हो। बम्पर आपको बस पेंट करवाना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल बम्पर ही मिलेगा यार, उस पर स्क्रैचेज वगैरह होंगे, सेकेंड हैंड होते हैं तो एक बार पेंट करवाना पड़ेगा ऐसे हो। अलॉयज कैसा ही लग रहे हैं होंगे भाई, 20-22 इंच के अलॉयज हैं, बहुत सही लग रहे थे यार। मार्केट में थोड़ा रश रहता है, हल्के ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं ना इधर। बेसिकली क्या होता है कि दिन भर लोग आते रहते हैं, मतलब ट्रक्स वगैरह का काम होता रहता है इधर, तो इधर थोड़ा सा रश लगा रहता है। और ये देखो भाई, ये देखो 24-24 इंच के भी अलॉयज पड़े हैं यहाँ पे, तो खतरनाक मार्केट है भाई। तो भाई एक बार यहाँ पे रुके थे, साइड में थोड़े अलॉयज मेरे को बढ़िया दिखे, तो ये अपने रहेंगे। ये वाले जो है ये जैसे अपनी गाड़ी में ना 14 लग के आते हैं पहले, तो किसी भाई को अगर 14 चाहिए ना, अगर स्टॉक में ही रहना है तो ये वाले लगवा लो। तो 14 में है ये, इसका साइज पड़ता है अपना 155/65R14। ये स्विफ्ट वगैरह के लिए बढ़िया रहते हैं, जिसमें ना थोड़ी गुड्डी मोटी आती है ना साइड की, और स्विफ्ट वगैरह वैसे किसी भी गाड़ी में लग जाता है, ऑल्टो वगैरह में भी लग जाते हैं, किसी में लग जाते हैं। तो भाई टायर कोई से मिल जाएंगे, डुनलोप के टायर है भाई, देख लो साइड से। बाकी ये पूरा भाई की यहाँ की पूरी वो है डिस्प्ले है। भाई कह रहे हैं कि अभी थोड़ा माल कम है, अभी ये हो चुका है, संडे तक माल आ जाएगा। तो भाई अपने ये वाले लगे हुए थे इस, ये है 15, और एक बार भाई के पास आए थे, भाई के पास सारी डिस्प्ले है पूरी, 12 से लेकर 22-24 जो चाहिए वो मिल जाएंगे। ये वाला देखो भाई स्टैलियन का है, बहुत सही लग रहा है ये, मतलब स्कॉर्पियो वगैरह के लिए ना बढ़िया रहता है। बाकी मैंने पूछे थे 16 इंच वाले, तो 16 में अपने पास ये है, ये ऊपर का ये सारे। ये वाला थोड़ा जैसे डायमंड में है, तो ये थोड़ा सही लग रहा है।
बाकी है। तो इनका प्राइस पड़ता है भाई 25 से 32 के बीच में विद टायर। टायर जो जो लगे हैं वो पता चल जाएंगे, आप यहाँ पे आओगे ना तो जो जो इनमें टायर्स लगे हैं वो सारे पता चल जाएंगे विद टायर होते हैं, और जो पुराने टायर और अलॉयज हैं वो सारे पलटी हो जाएंगे। तो भाई ये आ चुके हैं एक शॉप पे, बादशाह भाई की दुकान है। इधर का ना मेरे को डिस्प्ले बहुत अच्छा लगा था, मतलब यहाँ से आते हैं, यहाँ से राइट मुड़ते हैं ना तो डिस्प्ले पूरा भाई ने सारा बाहर लगा रखा है, और डिस्प्ले बढ़िया है, मतलब लाइव व्हील्स देखोगे ना आप तो मतलब एक नंबर के लग रहे थे इसमें। तो एक बार भाई से बात करते हैं, कैसे हो भाई? भाई क्या नाम है आपका? हमें अगर छोटी गाड़ी का चाहिए तो वो अपने को मिल जाएगा, अवेलेबल होगा? मेरे पास 13 नंबर से लेके 18 इंची 20 इंची 24 इंची तक मिल जाएगा आपको, 24 तक मिल जाएगा। तो एक बार भाई दिखाते हैं बंदों को। 13 इंची वो अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, बाकी मिल जाएगा आपको न्यू रिम सब मिल जाएगा। हाँ। और टायर वगैरह का भी सब टायर मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे भाई कह रहे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। ये अपना है 15 इंच का अलॉय, ये देखो 15 इंच जेके के टायर, जेके के टायर है इसके भाई 185/65 15 है। तो यहाँ से स्टार्टिंग है भाई, कंडीशन देख लो एक बार भाई, पूरे साफ है, पूरे साफ अलॉयज हैं, एक भी कोई स्क्रैचेज व्रैचेज आपको दिखेगा नहीं। अब यहाँ से देखो डिस्प्ले में देखो कौन कौन सा टायर है भाई, एक बार दिखा दो। ये लगा हुआ है 24 इंच भाई, ये 24 है देख लो, ये फ्यूल के रिम है, ओरिजिनल रिम फ्यूल के 24 इंच, ये ओरिजिनल है। और ये ऊपर है, ये मिल जाएगा आपको 20 इंच का लाइव मिलेगा, ये 20 में है, और ये सारे ये 17 है। एंडेवर में लग जाएंगे, इस सुजुकी आती है उसमें लग जाएंगे। तो भाई जो भी वाली गाड़ियाँ उसमें लग जाएगी, जो भी देखो इसमें ना 6 होल है, फॉर्चुनर एंडीवर जो भी आते हैं उनमें 6 होल होता है, बंदा बंदे बाहर से ढूंढते हैं तो कम मिलते हैं 6 होल वाले, और एंडीवर में तो आजकल थोड़ा वैरायटी भी कम हो गई, लेकिन आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो एंडीवर वगैरह बढ़िया अलॉयज हैं, और इसमें लो प्रोफाइल टायर डले हुए हैं फिलहाल, लो प्रोफाइल से लुक टायर की ना थोड़ी ब्रॉड आती है। तो आगे दिखाते हैं भाई, और कौन से इंच में अपने, ये 20 में मिल जाएंगे, ये भी 20 में है, ये डायमंड कट में है, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भाई, ये बढ़िया सा लग रहा है, ये बिल्कुल भाई ब्रांड न्यू भी मिल जाते हैं यहाँ पे, मतलब ये नहीं कि सेकंड हैंड में मिलते हैं, ब्रांड न्यू भी मिल जाएंगे सारे, उस हिसाब से है कि अवेलेबिलिटी कब है, और जैसे आपको चाहिए होगा कोई डिज़ाइन वगैरह पसंद होगा तो एक बार भाई को बता देंगे, भाई वो अवेलेबल करवा देंगे इधर से। तो अवेलेबल हो जाएंगे, और प्राइस रेंज में सबसे लास्ट में एक बार बता दूंगा, क्योंकि हर किसी के ना अलग अलग प्राइस रेंज है, और हर किसी के हिसाब से जैसे टायर वगैरह भी चाहिए होंगे ना तो उस हिसाब से टायर आपको मिलेंगे, क्योंकि टायर मतलब जिस हिसाब से जितना उतना माल बचा होगा उसमें टायर में उसके हिसाब से आपको टायर एंड अलॉय मिलेंगे। तो भाई ये ऊपर मेरे को 16 इंच में दिख रहे थे, ये प्लाटी के X2 वाला ब्रांड सुना होगा आपने, बाकी ये पूरी लाइन अलग अलग साइज है सबके। भाई ये देखो क्रोम, किसी भाई को क्रोम पसंद होगा, आजकल ना रील बहुत चल रही है क्रोम वाले में, बंदे स्कॉर्पियो में लगाते हैं ज्यादातर, इसमें मैंने देखा है इसको, स्कॉर्पियो में लग जाएगा आपका, थार में भी लग जाएगा, थार वगैरह स्कॉर्पियो में, थार में स्कॉर्पियो में सब में लग जाएगा, ये भाई चाहो तो ब्रेजा में लग जाएगा, ब्रेजा आ गई, ब्रेजा में थोड़ा बड़ा लुक, किसी को बड़ा लुक चाहिए हो तो ब्रेजा में उसमें लग जाएगा, और जो पुराने टायर है वो पलटी होके इसमें माइनस हो जाएंगे। देखो भाई जो पुराने टायर है वो भी हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि पुराने टायर आपको कहीं इधर उधर देने पड़ेंगे, यहाँ पे आओगे पुराने टायर भी हो जाएंगे वापसी, आप नए अलॉयज भी ले जाओगे। तो इसमें आते हैं भाई, ये भाई 18 इंच है, ये भी अपना वॉशन वगैरह का है भाई, कुछ अलॉयज ये देखो ये नीचे लगे हुए, और ये X2 के एक चीज़ है हमारे पास, हाँ ये GMAX से अलॉय व्हील है, आपने सुना होगा X2V 500, हाँ इसीलिए बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट है, अलॉय व्हील मिलते मिलते हाँ, तो उसकी 39 PCD, उसको 139 PCD, मतलब बिना स्पेसर के सीधा फिट हो सकता है, डायरेक्ट उसके अंदर XUV 500 के अंदर ही भाई, XUV 500 वाले 700 तो आई गई, 500 वाले जिसको पुरानी XUV में, जो बंदे पुरानी XUV में ढूंढ रहे होते हैं ना कंपनी फिटेड से, तो अच्छा ही है भाई ये लगवा लो, थोड़ा ब्रॉड लुक आएगी, बड़ी बड़ी लगेगी गाड़ी, वैसी XUV गाड़ी तो बढ़िया है भाई। ये सारे ऊपर भी है, ये 15 इंच में मेरी गाड़ी में भाई 15 लगे हैं, ये थोड़ा अलग में, ये थोड़ा अपने रील वील के लिए जैसे बनाते हैं ना बंदे तो उस लुक में आ जाते हैं। साइड में जाएंगे तो ये भी अपना 15 है, ये वाला 15 है भाई, ये भी सेम वैसी है, इसको इसको ब्लैक करा लेंगे तो भी वो फिर भी बढ़िया लगेगा, जो मर्जी भाई के यहाँ पे पेंट वगैरह भी हो जाएगा सारा, एक घंटे का टाइम लगेगा, हाँ भाई पेंट वगैरह भी यहाँ पे हो जाएगा,
नट वगैरह सब मिल जाएंगे, नट वट सब मिल जाएंगे, क्रोम वाले नट होते हैं, हाँ सब मिल जाएंगे, सारे नट वगैरह सब मिल जाएंगे भाई। एक ये लॉइस बहुत सही लग रहा था यार मेरे को, ये 20 इंची का है, 20 इंची का लाइव है, जो आता है रोज रोज कट के अंदर जो आती डिजाइन, हां हां हां, चलते हुए ना ऐसा लगेगा नहीं चल रही है गाड़ी, ये घूम मतलब उल्टा लगता होगा इसमें, उल्टा लगता है भाई। ये देखो मतलब ये लुक चल रहा है आजकल ना, ज्यादा बाहर भी नहीं आएगा ये टायर उसके फेंडर के, और अंदर अंदर रहेगा उसमें भी, मतलब अच्छी लुक देगा, ब्रॉड है वैसे भी, और भाई अलॉय वगैरह सारे साफ हो जाएंगे जो लग रहा होगा ना अभी यहाँ पे, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्लीन करके देंगे, सब क्लीन हो जाएगा, क्लीन करके फिर उसके बाद मिलेगा भाई। किसी को कंपनी फिटेड जैसे होते हैं ना, किसी को शौक होगा, ये वरना के अलॉय है भाई, ये वरना के हैं, ठीक है। कैप वगैरह देखो भाई, वो तो बाद में मिल जाते, कैप तो बाद में मिल जाती है, सेम जो प्रोफाइल वगैरह कंपनी से आ रहा होगा, अगर किसी को चाहिए भाई को, वो सीधा ये भी लगवा सकता है। बाकी अपने बड़े अलॉयज के तो भाई हब है पूरा, जितने लेवल X2 के ओरिजिनल लेवल में भाई, X2 वाले हैं ये, है आपकी हेक्सा में लग जाएगा, हेक्सा गाड़ी के लिए पीसीडी बहुत डिफरेंट होती है, हां डिफरेंट होती है इसकी थोड़ी, आती 108 के अंदर 5 वोल्ट के अंदर, ये लग जाएगी आपकी टाटा हेक्सा के अंदर, उसके लेवल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, ना के बराबर ही मिलते हैं उसके लेवल, ये लग जाएगा आपके हेक्सा के अंदर आराम से। देख लो भाई, किसी को जैसे करोल बाग वगैरह जाके किसी को महंगे लग रहे वाला लेवल, एक बार यहाँ पे जरूर आके एक बार ट्राई कर लेना, ये वाले भी भाई आजकल बहुत चल रहे हैं, 5 स्पोक बोलते हैं इसको, 4 होल में है, 18 इंच है भाई, स्विफ्ट के अंदर i20 के अंदर आराम से लग जाएंगे, स्विफ्ट i20 कह रहा है भाई, सब में मतलब इजीली कोई फिट को लग जाएंगे, तो लोगों का टायर चढ़ा है इसका 18 इंची में भाई, लो प्रोफाइल है और बहुत सही लगेगा यार, इसको एक बार शाइन वगैरह करा लो, बहुत सही लगेगा टायर। इसके बाद यहाँ पे जाके भाई, इसमें तो योकोहामा के टायर वो भी लगेगा टायर, ये भी 18, देखो भाई योकोहामा ये लिखा भाई, टायर की क्वालिटी और साइड में देखो भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा घिसा हुआ कुछ मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा, बिल्कुल फ्रेश टायर है, ऐसे लग रहा है कि गाड़ी अभी अभी शोरूम से आई है, अभी उतर के लगा दी यहाँ पे, और हमारे टायर की गारंटी मिलेगी, 1 साल की टायर की गारंटी मिलेगी भाई। ये देख लो अब मायापुरी में गारंटी वाला तो भाई बंदे कम ही देते हैं भाई, दे रहे हैं अपने हिसाब से, कि जिस हिसाब से पैसा डालेंगे उस हिसाब से आपको टायर वगैरह मिल जाएंगे, उस हिसाब से उसकी, जैसे ये देख लो भाई, ये थार का टायर लग रहा है, सेट के बिल्कुल न्यू टायर है भाई, देख लो थार के भाई, इतना क्लीन अलॉय व्हील ना मैंने अब तक देखा नहीं, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी आई है उतर के अभी लग गया, और इसकी साइड के भाई ये देखो, ये शायद ये मल्टी टेरेन या कौन से टायर है, ये ऑफ रोड वाले ही है, ऑफ रोड वाले न्यू मॉडल वाले, अच्छा ये रहा भाई, ऑल टेरेन टायर है, और देख लो साइड से भाई, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन टायर है, अब तक जैसे यूज ना कराओ, एक बार भी ना चलाओ, तो उस हिसाब से मिल जाएंगे। बाकी ये छोटे मोटे अलॉय व्हील्स, ये 14 इंच है भाई, पहले अपनी गाड़ी में 14 ही आते थे, अगर मेरे को ये लगाना होता ये लगा लेता सीधा, ठीक है, सेंट्रो वगैरह ऑल्टो वगैरह में भी लग जाएगा, हाँ देखो भाई 165/65/14 है, और भाई ये भूल गया था, ये ब्रेजा, ये ब्रेजा के देख लो, ये न्यू ब्रेजा के है भाई, ये जो अभी आ रही है ना उसके टॉप मॉडल के ये भी मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं भाई, फॉर्च्यूनर के टायर है, फॉर्च्यूनर वाले भाई को किसी को चाहिए होंगे तो आराम से अलॉयज वगैरह सब मिल जाएंगे यहाँ पे, ये अपना प्लैटिका आ जाएगा, और ऊपर भाई कैप वगैरह किसी को चाहिए, देखो इसमें जैसे मर्सिडीज की लगी है, कोई भी चाहिए आपको हर तरीके की कैप मिल जाएगी, कोई भी मिल जाएगी भाई, कह रहे हैं सारी कैप मिल जाएगी भाई यहाँ पे आके, पूरा हब ही है, ये क्रेटा के बिल्कुल ब्रांड न्यू रिम है, अच्छा हाँ देखो भाई ये भी क्रेटा के ब्रांड न्यू रिम है, फर्स्ट टाइम गाड़ी में लगेंगे जो भी लगा, देख लो भाई ब्रिजस्टोन के टायर डले हुए हैं जो ऑलरेडी मार्केट में, मतलब उसमें क्रेटा में आते भी हैं, साइड में देख लो उस हिसाब से टायर उस हिसाब से मिल जाएंगे आपको, जिस हिसाब से आप पैसे दोगे ना उस हिसाब से बढ़िया टायर मिल जाएंगे भाई। ये फोर्ड का है, इको स्पोर्ट का, इको स्पोर्ट गाड़ी बंद हो गई, लेकिन देख लो अभी तक इसके यहाँ पे अलॉय व्हील्स आराम से मिल रहे हैं, सब मिल जाएगा भाई यहाँ पे, पूरी कहीं पे अवेलेबल नहीं होगी आपके भाई के पास मिल जाएगी, देख लो भाई कह रहा है कि सीधा कहीं नहीं जाना, सीधा यहाँ पे आ जाना, ये भी शायद मेरे को लग रहा है ये दोनों फॉर्च्यूनर के, ये 18 वाला सिग्मा 4 का भाई, 4x4 जो आती है ना उसका 18 में आता है, और उससे छोटे मॉडल में 17 में आता है, तो ये 18 वाला है, किसी को चाहिए होगा फॉर्च्यूनर के लिए तो यहाँ से आके सीधा ले सकता है, ऊपर ही आफ्टर मार्केट जो ऊपर देखो भाई उसके भी मिले मेरे को एक नीचे के भाई, मतलब कंपनी फिटेड और नॉर्मल आफ्टर मार्केट सब मिल जाएगा यहाँ पे ना, तो इसमें भी देखो सेम वही है, वॉशिंग के हैं 5 स्पोक वाले हैं, इसमें होल भी 5 होल वाले हैं, कॉन्टिनेंटल गैस के, ये 18 इंच है भाई, साइड में किया वगैरह के भी है, देखो मतलब नॉर्मली जो कंपनी फिटेड जिसको पसंद होते हैं ना, थोड़ा लुक वैसी रखनी है ये ले सकता है उसके हिसाब से,
कंपनी फिटेड है, ज़्यादा मतलब बाहर बाहर भी नहीं निकलेंगे, अंदर ही रहेंगे, और उसी हिसाब से टायर भी ले लो, ऊपर अपना नॉर्मल ये 15 इंच में भाई। तो उनके लिए है जैसे कि शौकीन बंदे होते हैं अल्टो में लगाना, उनको लो प्रोफाइल टायर लगा के 15 इंच से लाना होंगे, तो उसके लिए बिल्कुल लो प्रोफाइल टायर चले गए ग्रीन मैक्स के लिए लॉन्ग के भाई, देख लो न्यू टायर है चारों पूरे टायर भाई, साइड से पूरा टायर एकदम फ्रेश भाई। यहाँ पे देख लो ये लाइन होती है ना कि भाई टायर के कितना घिसा है, देख लो भाई पूरा रखा है। बाकी ये और बड़े टायर है, ये भी अपना ये 20 इंच का लग रहा है, कितने का? 17। ये 17 है भाई, ऐसा मिल जाएगा 17 कुछ। ये साइड में भी एक वॉशन का ऐसा है, और ये अपना ये किस गाड़ी में लग जाता है ये बात मैं देख रहा हूँ, ये होंडा सिटी का, हाँ मेरे को लग रहा है ये डायमंड कट का ये भी भाई, ये इन्होंने भाई अलग से पेंट करा भाई डायमंड कट में ना, इसको देखो दे रखा है, तो ये भी भाई मेरे को सही लग रहा था डायमंड कट में ना, ड्यूल टोन कलर से ये भी अच्छा लग रहा था मेरे को लाइक, ये वही थार का अपना नॉर्मल हो जाएगा। ये देखो भाई डनलॉप के टायर है इसमें, पहले वाले में देखा था वो C8 के थे हमारे भाई, उसकी गुड्डी बहुत मोटी थी, वो प्रॉपर ऑफ रोड के लिए थे, बाकी ये थोड़े बहुत टायर जैसे मैं ये देख रहा हूँ भाई, ये मेरे को बलिनो के लिए भाई, देखो बलिनो वाले भाई जिसको ना नॉर्मल चाहिए होंगे ना बलिनो के, अपोलो के टायर जो कंपनी से आते ही हैं भाई, वो भी मिल जाएंगे अपने यहाँ पे भाई। ये मेरे को लग रहा है XUV के, हाँ भाई ये 18 इंच के देख लो, ये भी डायमंड कट में है, और ये भी इसका ड्यूल टोन है, ये टायर देख लो भाई, भाई टायर की क्वालिटी देख लो, ब्रिजस्टोन के टायर है, ऐसी भी कोई मतलब नॉर्मल टायर नहीं, इम्पोर्टेड टायर ब्रिजस्टोन है, और अपने नॉर्मल ये जो इग्निस वगैरह के, ये i20 का पुराना वाला है शायद, ये i20 का पुराना वाला है, चारों पेयर मिल जाएंगे किसी को चाहिए होंगे ना, चारों मिल जाएंगे किसी को, दो चाहिए दो मिल जाएंगे, सिंगल चाहिए सिंगल मिल जाएगा। तो भाई एक बार ना प्राइस बताते हैं बंदों को, तो अपना नॉर्मल वैसे 15 स्टार्टिंग, चलो हम करते हैं 12 इंच से करते हैं, 12 कितने का पड़ जाएगा उस बंदों का? 12 इंच जो मिलता है ना इतने सारे से मिलते नहीं है, मिलते नहीं है, मिलेगा प्रीमियम चाहिए आपको 12 इंच वो लेंगे तो 7000 रुपए के लिए भाई, 7000 में लगा लो विद टायर या विदाउट, सिर्फ विद ओनली रिम, क्योंकि ना 12 इंच के रिम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा आपको मुझसे देखो आपकी वीडियो के अंदर उससे बताया भाई 3000 रुपए मिल जाएंगे 4000, हाँ हाँ हाँ, उनके फिर रेट ना अलग ही होते हैं, जब आओगे ना उनके पास दुकान पे आते हो रेट अलग, वो अलग बता रहे थे। और ठीक है अगर हम 15 की बात करें, एक बार जैसे आगे डिस्प्ले लगी थी 15 की, तो वो अपने को कितने पड़ जाएंगे? मतलब एक एक रेंज बता दो कितने कितने में टायर पड़ेगा आपको, 15000 से लेके आपको पड़ेगा वो 30 के बीच में, बिल्कुल न्यू टायर है, साइड से भी देख लो कोई घिसा विसा कहीं से भी नहीं भाई, 30000 अगर आप 15 इंच पे खर्चा कर रहे हो ना, 4 अलॉय टायर 30000 के अंदर अंदर आपको बढ़िया मिल जाएंगे टायर एकदम बढ़िया वाले, 16 इंच अपना अलॉय अगर बात करें, 16 इंच की बात करो आप, अलॉय की स्टार्टिंग हो जाएगी हमारे पास सिर्फ रिम ही रिम 16000 से स्टार्ट हो जाएंगे, और रिम ऐसा नहीं कह रहा कि पुरानी ओल्ड वोल्ड का कोई भाई, भाई विदाउट स्क्रैच वाले, और उस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से आप पसंद करोगे कि लेटेस्ट रिम जो भी रहता है उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे वो बढ़िया। 17 में अपनी क्या होगा? 17 मिल जाएगी आपको 17 से स्टार्टिंग होती है, 20-20,000 से लेके हाँ 55-50-45 ये चाहिए आपको वैसे भाई, लेकिन तो ज्यादा हमारे पास ब्रांड न्यू मिल जाएंगे, हाँ 17 भी मिल जाएगी, और भी बहुत अच्छा खासा कंडीशन है, देखो जैसे कि ये है हमारे पास, ये 7 इंच का लाइव है 17 इंच के वॉशन के भाई, देखो कंडीशन देखो, कंडीशन देखो ओल्ड है पर कंडीशन बढ़ जाएंगे, चाहे पुराने अलॉयज है लेकिन भाई कंडीशन बहुत बढ़िया है इसकी, मतलब एकदम पूरे साफ अलॉयज है, तो अपने 17 में भाई कह रहे हैं कि 45000 तक के 50000 तक के जिसका जितना हिसाब है उतने पड़ जाएंगे, 25 से ठीक है भाई, 17 की ये रेंज है, 18 की रेंज अपनी कहाँ से आती है, 25 मेरे ख्याल से 25 से कर देता है, तो भाई जो अपना माल दोगे उसका अलग रेट माइनस होएंगे भाई, जो आज जैसे मेरी गाड़ी में लगे हैं भाई वो वापस करवाऊंगा, तो उसके रेट अलग से जो इनके हिसाब से जितना बैठेगा आप, वो तो जो जिस दिन लगाने आएगा उस दिन एक बार बात कर लेना, जो बेस्ट होगा वो कर देंगे अपने हिसाब से। बाकी 18 का बता दिया, 18 में तो मतलब बहुत सारी वेरायटी इधर तो बहुत है भाई, 18 की बड़े अलॉयज की ज़्यादा वेरायटी है, छोटे भी मिल जाएंगे लेकिन हल्का एक आधा थोड़ी कम पीस होंगे, बाकी 18-17 में तो भाई भर भर के वेरायटी है अपने, अवेलेबल
भाई 19 भी मिल जाता है, 20 भी मिल जाएगा अपने पास, मैक्सिमम कितने 22 24 तक मिल जाएंगे, 24 तक मिल जाएंगे भाई, 24 तक इजीली मिल जाएंगे। किसी बंदे को शॉकिंग बंदे होते हैं भाई स्कॉर्पियो वगैरह में लगाने, 24 मिल जाएंगे। तो एक बार बता दो 24 का कितना रहेगा अगर किसी को चाहिए नॉर्मल टायर? नॉर्मल टायर आपको बिल्कुल न्यू जैसे रिम और न्यू जैसे टायर आपको पड़ जाएंगे आपको 1.5 लाख रुपए भाई, 1.5 लाख रुपए के पड़ जाएंगे। कंपनी में जाओगे या बाहर कहीं पे जाओगे न्यू लेने, 2.5 से 3.5 तो कहीं ही नहीं गए स्टार्टिंग प्राइस, आपको 3 का फटका तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। यहाँ पे आओ एक बार देख लो, जैसे कि बहुत से होते हैं कि आपका फ्यूल के रिम है, फ्यूल के रिम बड़े महंगे मिल रहे हैं, हाँ उनके 2.5 लाख से रिम स्टार्टिंग है, रिम की रेंज रहेगी। हाँ फिर आप टायर दिलवाओगे, टायर एक आपको समझ लो टायर अच्छे खासे रेट है उसके, आराम से 1.5-2 लाख के मतलब टायर मिल जाएंगे 25-25, हाँ आराम से वही चीज आपको यहाँ पे 1.5 लाख की मिल जाएगी। तो आपके माल के अलग पैसे लेस जाएंगे भाई, उसके पुराने वाले के भी पैसे लेस हो जाएंगे। आज के मैंने आपको दिखा दिए 15 इंच से लेकर सारे 20-22 तक जो भी अलॉयज थे यहाँ पे, सारी डिस्प्ले में जो भी थे वो एक बार में सारी दिखा दी आपको। किसी को चाहिए होगा भाई ऊपर बादशाह टायर, मायापुरी का मेन कट है, वहाँ से मेन कट से यहाँ पे कोने में पड़ती है भाई की दुकान, डी ब्लॉक में पड़ती है और सामने आते साथ ही ना डिस्प्ले दिख जाएगा। आज मैं आया था स्टार्टिंग में मेरे को डिस्प्ले दिख गया था, मैं एक बार देख रहा था, मैं आगे गया था एक बार सीट वगैरह पता करने, तो यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले दिख गया था। तो भाई सारे सब तरह के अलॉयज है, टायर सारे मिल जाएंगे। किसी को चाहिए होंगे तो भाई एक बार एड्रेस वैसे ही बता दो भाई, एड्रेस पड़ जाएगा आपको ये D129 मायापुरी फेज 2, मायापुरी में फेज 2 का पड़ जाएगा। नंबर वगैरह होगा तो यहाँ पे भाई नंबर लिखा होगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखो यहाँ पे भी है और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। किसी को करना होगा, किसी को कॉन्टैक्ट करना होगा भाई के पास सीधा आ जाना, तो भाई लोकेशन भी है इनके पास बादशाह टायर, आप सर्च मारोगे सीधा। बाकी किसी को अलॉयज वगैरह गाड़ी नहीं नहीं लिया है, अलॉयज इतना खर्चा नहीं करना न्यू अलॉयज में, यहाँ पे आके एक बार सेकंड हैंड ट्राई कर लो भाई, दिक्कत नहीं होगी कुछ, मैं ये बता देता हूँ भाई अपनी साइड से भी गारंटी दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई आज का था ये व्लॉग टायर्स का और अलॉयज का, किसी को पसंद आया होगा तो भाई प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और ये एक बार मायापुरी आके एक बार अलॉयज अपना जरूर चेकआउट कर लेना, अलॉयज बढ़िया एकदम। तो भाई आ चुके हैं वापस गाड़ी में अपना, तो ये था भाई आज का मायापुरी का व्लॉग। तो भाई किसी को व्लॉग पसंद आया तो भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे ही अब मैं व्लॉग की और मतलब आगे ही और मैं अलॉयज की वीडियोज डालूंगा। ये तो थे हमारे सेकेंड हैंड अलॉय व्हील्स, एक मैं डालूंगा एक न्यू फ्रेश, और भाई वो ऐसी वीडियो डालूंगा ना जो अलॉय व्हील्स देखे नहीं होंगे पूरे करोल बाग में नहीं मिलेंगे बाद, तो एक वो वाली वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए देखते रहना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन जरूर दबा देना हर नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।